मैं तो लगता है कि वो एकदम नंबर वन मेरे आंख में अगर देखा जाए तो एक अच्छे बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, उनको भी बराबर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे खत के और इतना जबरदस्त रीच है और इतना अच्छा क्लीन हिटिंग करते हैं, उनको भी आप लास्ट लास्ट में भिजाते हैं तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा कोई फायदा ही नहीं होता। मैं जैसा कहा कि आपको अगर अच्छे तो मेरे हिसाब से जेसन होल्डर नंबर 5 बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे स्ट्राइकर है और मेन एबिलिटी भी है, अच्छा दम से मारता है, उससे जैसा निकलने का वो स्ट्रेट सिक्स इवन फास्ट बॉलर को भी मार सकते हैं। तो आप अपने प्लेयर्स को अगर उनके एबिलिटी को अगर सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उनके बारे में आप अच्छे प्लेयर को आप परख नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये कैप्टन को सुनना पड़ेगा और जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी सुनना पड़ेगा। अमूमन टीम मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जो टीम कोच है और कैप्टन है तो टीम भी चाहती है कि जो टीम ओनर भी है बात थोड़ा उनके ऊपर उनसे भी थोड़ा प्रेशर रहता है, टीम अच्छा नहीं खेल रही, ये प्लेयर को इधर खिलाओ, ये प्लेयर को, मतलब बाहर से कमेंट ज्यादा आते हैं एक्चुअली, तो उसी से भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता। बट लेकिन जेसन होल्डर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बिल्कुल नंबर ऊपर खिलाना चाहिए। मैं हर बार ये कहता हूँ कि जब तक आप प्लेयर को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे वो कभी भी अच्छा खेल नहीं सकेगा, क्योंकि वो लास्ट 2 ओवर में 3 ओवर में जैसा मारना वो मार के आ जाएगा।